अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान साजिद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ी मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन को हल्का सा पुश कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। लाहौर में गैंग वार की एक बड़ी पुरानी तरीक है। यहाँ पर बड़े बड़े बदमाश और बड़े बड़े बदमाश बड़े बड़ी गैंगों को रन कहते रहे हैं, लेकिन ये लाहौर बागों के साथ साथ पुलवानों का भी शहर था। यहाँ पर किसी दौर में आपको हर गली में अखाड़ा मिलता था और यहाँ पर एक पलवान के 10-15 चेले उसकी जेरे निगरानी कुश्ती कर रहे होते थे। आप अंदरून शहर में देखें तो वहां पर आज भी आपको अखाड़ों के कई तरह के मकामात नजर आएंगे। ऐसे ही बिल्ला ट्रका वाले का भी अखाड़ा था, उसने वहां पर शेर रखे हुए थे और एक बकायदा अखाड़ा बनवाया हुआ था जहाँ पर वो उस इलाके के बच्चों को हेल्थी एक्टिविटी करवाता था, उनको कुश्ती का फन सिखाता था, उनको एक्सरसाइज करवाता था। ये उस दौर की बात है कि जो जिम से बहुत पहले की दौर की बात है कि देसी बंडल होते थे, खुद बंडल तैयार किए जाते थे, कभी वो घी वाले पीपे लगाकर कभी लोया लगाकर वो बंडल खुद तैयार किए जाते थे और उससे कसरत की जाती थी। फिर जिम आ गए, फिर मोटराइजेशन आ गई, लेकिन पलवानी में आज भी जो अपनी शौक रखते हैं वो अखाड़े में जाना ही पसंद करते हैं, वो अखाड़े की मिट्टी को ही पसंद करते हैं। तो बिल्ला ट्रका वाले का भी कुछ ऐसा ही एक रोब दबदबा था अपने इलाके में, अखाड़ा था, शेर था और साथ में उनका ट्रांसपोर्ट का कारोबार था। और बिल्ला ट्रका वाला ने इस लाहौर के ऊपर राज किया है और इसी राज ही की दुश्मनी की वो आज कीमत चुका रहे हैं कि आज उनका पोता भी मरो मिट्टी नीचे जा चुका है, जिसकी रस्म कुल भी हो चुकी है। बिल्ला ट्रका वाला मर्डर हुआ, उसके बाद टीपू उसका बेटा कत्ल हुआ और बलाज भी इस दुनिया से चला गया। ये कहानी तो चलती रहती है, ये वो जिंदगी है, आती जाती रहती है, लेकिन जब ऐसी कोई जवान मौत चली जाए तो फिर उसका इजहार एक दुख लाजमी होता है कि इतनी कम उम्र में इंसान चला जाए। तो ये एक वाक्या आपके नजर बता रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री का एक वाक्या है कि बिल्ला ट्रका वाले का लाहौर में एक अरूज था और तमाम बदमाश उसकी टांग के नीचे से गुजरते थे और उस दौर में ये जो थे बदमाश थे ये वहाँ पर अदाकारों को तंग करते थे, जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के अदाकारों को तंग करते थे। सेट पे चले जाते थे, वो सेट से उठा के ले जाते थे, अपने डेरों पर लेके चले जाते थे, वहाँ पर उनसे मुचरे करवाते थे। ये कहानी चलती थी। फिर इन एक्ट्रेस ने सुल्तान रही और लाला सुधीर और इकबाल हसन को कहा कि आप बिल्ला ट्रका वाले से जाकर बात करें और उनको समझाएं कि ये हमारे साथ ये सियाती होती है। ये सुल्तान रही, लाला सुधीर, इकबाल हसन बिल्ला ट्रका वाले के डेरे पे कहा कि ये आपके जो बच्चे हैं, बालके हैं, ये सब आपके जो नीचे काम करते हैं, हालांकि आपकी बात में वसन है लेकिन आप इनको रोकेंगे तो ये रुक जाएंगे, तो आप इनको मना करें कि हमारी जो अदाकारें हैं इनको तंग ना करें। अच्छा, बिल्ला ट्रका वाले ने, मैं आपको बताऊँ, बिल्ला ट्रका वाले ने अदाकारों को मना कर दिया था कि अदाकारों ने उनके डेरे के ऊपर नहीं आ रहा, अगर उनके डेरे के ऊपर आए तो फिर सुतार रही और उनको भी इजाजत नहीं मिलेगी। बहरहाल ये गए, उन्होंने वहां से बात की, टीपू वहां पे बैठा था, उसने थोड़ी सी मुदाखलत की और बिल्ला जो उसके वालिद उसे कहा कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए। तो बिल्ले ने कहा कि तू इना कम मच ना पै, तू इना दी अपन चिंता नहीं लानी है ना, तो दूर रहना है। तो ये बिल्ला ट्रका वाले का एक एक था कि वो इन चीजों से, इन अदाकारों से, हालांकि अपने शाहिया पलवान और दूसरे जो बड़े बड़े पलवान है, चची पहलवान, इन्होंने के ताल्लुक भी रहे, एक्ट्रेस के साथ आतफ चौधरी के भी रहे हैं, असद प्रिंस के भी रहे हैं, लेकिन बिल्ला ट्रका एक ऐसा नमाजी प्रेजी आदमी था कि इन तमाम मामले से दूर आता। और सुल्तान एक सिफारिश के ऊपर तमाम जो लाहौर के बदमाशों थे उनको अल्टीमेटम दे दिया था कि तुमने आज के बाद किसी भी अदाकार को तंग नहीं करना।